गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीषा का पाठ 6, जो कि है समास, और जिसमें हमने पढ़ा दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, और उन शब्दों को अलग अलग तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या संयुक्त करना, और उन्हें तोड़ना विग्रह कहलाता है। अब तक हमने समास के बारे में पढ़ा, समास के भेद पढ़े, जिसमें हमने इसके 6 भेद पढ़े, जिसमें पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, द्विगुण समास और बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा। इसमें विस्तृत रूप से हमने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, तथा, अथवा या आदि योजक शब्द लगते हैं उन्हें समास शब्द कहते हैं। यानी जिसके समस्त पद, यानी कि समास जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है उसे समस्त पद कहते हैं। तो वे दोनों ही जब प्रधान हो, मुख्य हो, और उन्हें जोड़ने वाले शब्द और, तथा, अथवा या आदि जो योजक शब्द है जो उन्हें जोड़ते हैं उनको हटाते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यानी उन शब्दों के बीच में और, तथा, अथवा या शब्द होते हैं तो वह द्वंद्व समास होते हैं। यानी दोनों ही शब्द प्रमुख हो और उनके बीच तुलनात्मक तुलना करने वाले यानी और, तथा जैसे शब्द हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो होगा सुख और दुख, अन्न जल में अन्न और जल, दिन रात में दिन और रात, हाथी घोड़ा में हाथी और घोड़े, यानी दोनों ही बराबर हैं। और इनमें तुलनात्मक शब्द और, तथा, अथवा या आदि होते हैं। सुख या दुख, अन्न या जल, दिन अथवा रात, हाथी या घोड़े, इस तरह भी हम इन्हें लिख सकते हैं। तो यह दोनों पद समान होते हैं और इनमें से योजक शब्दों को हटा देते हैं तो समस्त पद बन जाता है, और उनके बीच में योजक चिन्ह का संकेत लगता है। और जब इन्हें विग्रह करते हैं तो और, अथवा, या आदि चिन्ह लगते हैं। अगला अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो, अथवा जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जो किसी भी वजह से लिंग, वचन, काल आदि के द्वारा बदला न जा सके वह अव्ययी होता है। इसमें पहला पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और उसी की वजह से जो पूरा पद है वह भी अव्ययी भाव समास बन जाता है और उसे बदल नहीं सकते। लिंग वचन कारक के अनुसार उस शब्द को बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यह पूरा शब्द अव्ययी भाव समास बन जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। यानी जो भी हम समास विग्रह करते हैं शब्द का जिसका भी, तो उसमें जो दूसरा पद है, उत्तर पद है, वह पहले आएगा और जो पहला शब्द है वह बाद में चला जाता है। जैसे अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह भी या परसर्ग भी लुप्त हो जाता है। यानी जो दोनों शब्दों को जोड़ने वाले संकेत हैं, चिन्ह हैं, वे पूरे हट जाते हैं। कई बार तो यह एक शब्द होता है, कई बार दो तीन शब्दों का मेल होता है उसमें और वो पूरा का पूरा हट जाता है, उसे परसर्ग कहते हैं। जैसे भर पेट, यहाँ पर पेट पहले आएगा और भर बाद में। जैसे पेट भर कर, बीचों बीच मतलब एकदम बीच में, आमरण मरण तक, प्रत्यक्ष यानी अक्ष कहते हैं आँखों, तो आँखों के सामने। इस प्रकार जो अंतिम शब्द है वह पहले, उत्तर पद पहले, और जो प्रथम पद है वह बाद में आता है, उसका विस्तृत रूप बाद में होता है। और इसमें कई बार तो कई शब्दों का मेल होता है, उसे परसर्ग कहते हैं, वह पूरा का पूरा हट जाता है। अगला द्विगुण समास।
जिस समास का पहला पद संख्यात्वाचक विशेषण होता है उसे द्विगुण समास कहते हैं। यहाँ पर पूरे समूह को ये प्रदर्शित करता है, जैसे नवनिधि यानी नौ निधियों का समूह, षडरस मतलब छह रसों का समाहार, षड कहते हैं छह को, तो छह रसों का समाहार, सत्सई मतलब सात सौ का समाहार यानी समूह, शताब्दी मतलब शत या सौ अब्दों कहते हैं दस शब्दों को, दस नंबर्स का समूह जो है उसे कहते हैं, तो दस का सौ जो अब्द है शब्द है उनका समाहार या समूह, सप्तऋषि मतलब सात ऋषियों का समूह, त्रिफला मतलब तीन फलों का समूह, पंचतत्व मतलब पांच तत्वों का समूह है, अष्टसिद्धि यानी आठ सिद्धियों का समाहार या समूह, चौमासा कहते हैं चार महीनों के समाहार को समूह को, तिरंगा तीन रंगों का समाहार और त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार, वेणी कहते हैं नदी को, तो तीन नदियों का समूह। अगला बहुव्रीही समास, जिस समास में दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता हो वह बहुव्रीही समास कहलाता है। जैसे विषधर यानी विष को धारण करने वाला मतलब सांप, तो यहाँ पर विष और धर ये दो शब्दों के मेल से बना है लेकिन फिर भी यह किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। विष को धारण करने वाला मतलब कौन होता है? सांप। इसी तरह पंकज, पंक मतलब कीचड़ और जय मतलब जन्म लेने वाला, तो जन कीचड़ में जन्म लेने वाला होता है पंकज यानी कमल। तो यहाँ पर कीचड़ में जन्म लेने वाला अलग अर्थ है और उससे बनने वाला मिलने वाला अलग अर्थ यानी कि कलम को कमल को यह संकेत करता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, यह तो साधारण अर्थ हुआ लेकिन ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? शिव की ओर। इसी तरह दशानन, तो दस है मुख जिसके अर्थात रावण। अब यहाँ क्योंकि नंबर भी आ रहे हैं जैसे दशानन में, तो यह द्विगुण समास भी हो सकता है लेकिन यहाँ बहुव्रीही समास है क्योंकि यह किसी और की तरफ, किसी और विशेष व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है। तो द्विगुण और बहुव्रीही समास में क्या अंतर है पहले ये देखते हैं। इसी के साथ कर्मधारय समास और बहुव्रीही में क्या अंतर है इनके बारे में जानते हैं। तो कर्मधारय समास में किसी की विशेषता बताई जाती है यानी कर्म को धारण करने वाला, तो कुछ विशेष कर्म को धारण करने की वजह से कर्मधारय समास हुआ। तो कर्मधारय समास में किसी की विशेषता बताई जाती है या तुलना की जाती है लेकिन उस व्यक्ति की ओर इशारा नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा नहीं किया जाता लेकिन बहुव्रीही समास में व्यक्ति विशेष को बताया जाता है। इन दोनों समास में मुख्य अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। विग्रह में क्या आता है तो पहले तो देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है जिसकी उपमा हम देते हैं और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष्य है जिसे हमने बताया है नीला। गगन तो शब्द है, एक वस्तु या व्यक्ति है लेकिन उसे उसका रंग कैसा, उसकी विशेषता क्या है? नील जैसा, नीला। तो इसीलिए यहाँ पर कर्म को धारण किया है गगन ने नील के जैसा, नीले जैसा, इसीलिए यहाँ पर नील गगन हो गया। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है यानी चरणों को उपमा दी है कमल के समान। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय के हैं जो कर्म को धारण करते हैं लेकिन बहुव्रीही समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है जो कि संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष की विशेषता बता रहा है तो वह संज्ञा हुआ। जैसे चक्रधर, तो चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। तो विग्रह करने पर यानी शब्दों को तोड़ने पर रूपी या के समान या है जो का प्रयोग करते हैं। जैसे नील कमल में नीला है कमल या चरण के समान, ये कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण।
तो इस प्रकार हम रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही है जो ये भी लिखते हैं, तो वहाँ पर होता है कर्मधारय, और बहुव्रीही समास में उस व्यक्ति विशेष की ओर संकेत किया जाता है, जैसे चक्रधर, तो वहाँ चक्रधर चक्र को धारण करने वाला है जो, तो वह कौन है, विष्णु भगवान। इसी तरह द्विगुण समास का समस्त पद संख्यावाची होता है, साथ ही विग्रह में भी संख्या की प्रधानता रहती है। द्विगुण और बहुव्रीही समास में अंतर, बहुव्रीही समास में समस्त पद विशेषण का कार्य करता है जो कि हमने अभी पढ़ा, जबकि द्विगुण समास का पहला पद संख्यात्मक होता है, विशेषण होता है, जबकि दूसरा पद विशेष्य, जैसे दशानन, दश है आनन यानी मुख, तो दश जिसके मुख हैं, सिर हैं, ऐसा अगर हम इसे द्विगुण समास कहेंगे तो सिर्फ यहीं पर रुक जाएंगे, दश आनन का समूह, दस सिरों का समूह है, लेकिन अगर हमें इसे बहुव्रीही समास बनाना है तो हम आगे लिखेंगे दश आनन है जिसके, अर्थात रावण। इसी तरह चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह है, लेकिन अगर हमें बहुव्रीही समास बनाना है तो हम लिखेंगे इसे चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। इस प्रकार नंबर या संख्या जहाँ पर होती है वहाँ द्विगुण समास, लेकिन संख्याओं के साथ में किसी और के बारे में संकेत करते हैं तो वहाँ बहुव्रीही समास होता है। तो यहाँ बहुव्रीही समास विष्णु की ओर संकेत नहीं करता, सॉरी द्विगुण समास जो चार भुज है, चतुर्भुज है, वहाँ विष्णु की ओर संकेत नहीं करता, लेकिन बहुव्रीहि में विष्णु की ओर संकेत किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से विग्रह पर निर्भर करता है, जब हम उसे अलग करते हैं तो उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा समास उसे बताना चाहते हैं, कि बहुव्रीही समास या द्विगुण समास। अब द्विगुण और कर्मधारय, तो ये भी दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें द्विगुण का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, उन जो समूह है वो कितने व्यक्ति वस्तुओं का है तो उसके बारे में संख्या बताता है, जबकि कर्मधारय एक पद विशेष होने की संख्या कभी नहीं होती है। द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जैसे नवरत्न में नौ रत्नों का समूह है, द्विगु समास हुआ। पुरुषोत्तम में यहाँ पे संख्या नहीं है, केवल कर्म बताया है, उसकी कर्म को धारण करने वाला बताया है, तो पुरुषों में जो उत्तम है यह बताया है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए यह कर्मधारय है, कर्म को धारण करता है। रक्तोत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, तो रक्त से जो उत्पल या रक्त जैसा जो कमल है वह, तो उसने कमल ने रक्त के समान कर्म धारण किया है, यानी उसके जैसा विशेषता उसमें है, इसलिए कर्मधारण धारय समास। और चतुर्वर्ण, तो चार वर्णों का समूह, क्योंकि यहाँ पर संख्या है अतः यहाँ पर द्विगुण समास है। अब कई बार यह कन्फ्यूज़न रहता है, यह संधि और समास के बीच का अंतर समझ में नहीं आता, दोनों को एक मान लिया जाता है, तो इसे समझने के लिए देखते हैं मुख्य रूप से इनका अंतर क्या है। संधि जो होती है वह वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जैसे देव आलय, तो यहाँ पर अ और आ मिलकर बना आ, और यह शब्द जुड़कर बन गया देवालय, जबकि समास दो पदों में होता है, यह होने पर, समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है, जैसे हम समास बनाते हैं, समास शब्द सामासिक शब्द बनाते हैं, तो वहाँ पर हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, कुछ शब्दों को हटा देते हैं बीच से, जैसे माता और पिता में से और हटा दिया तो बन गया माता पिता, तो यहाँ हमने संधि नहीं की है, केवल शब्दों को जोड़ा है। दूसरा अंतर, संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि में हम किसे जोड़ते हैं, वर्णों को, विग्रह को या फिर स्वरों को, लेकिन जो समास है उसमें पूरे के पूरे शब्दों को जोड़ा जाता है। तीसरा, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। संधि में वर्ण परिवर्तित होते हैं, मात्राएं बदल जाती है, लेकिन समास में
पूरे के पूरे शब्द या बहुत से शब्द या कारक चिन्ह हट जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय यह संधि है, जबकि राजा का पुत्र में से का हट गया और यह बन गया राजपुत्र। तो वहाँ पर जहाँ शब्दों का लोप होता है वहाँ समास, और जहाँ वर्णों में परिवर्तन होता है वहाँ संधि। जैसे हिमालय को जब जोड़ा तो हिम धन आलय बना हिमा, और हिमालय शब्द को विग्रह अलग किया, संधि विच्छेद किया तो हिम धन आलय। इसी तरह रेखांकित का संधि विच्छेद रेखा धन अंकित और जोड़ने पर रेखांकित, लेकिन हिम का आलय समास होगा यानी बर्फ का घर, और रेखा से अंकित है जो, तो वहाँ है समास। यह मुख्य रूप से समास और संधि में अंतर है। तो अब तक हमने पढ़ा शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पद तथा समास विग्रह। समस्त पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच आए परसर्गों का लोप हो जाता है। समास के छह भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीही समास। यह था हमारा पाठ समास।